नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। न्यामतपुर रोशन एजुकेशन, महिला सशक्तिकरण का एक पहचान। करीब 20 वर्षों से महिलाओं और युवतियों को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वनिर्भर बना रही है। आज संस्था में जो युवतियाँ ब्यूटिशियन का कोर्स सीख रही थी, उनका आज इम्तिहान लिया गया। साथ ही जो लड़कियां मेहंदी का कोर्स कर रही है, उनके बीच प्रतियोगिता कराएगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरह से न्यामतपुर रोशन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वनिर्भर बनाया जा रहा है। आज न्यामतपुर रोशन एजुकेशन में जो ब्यूटिशियन की क्लास कराते हैं, उसका 6 महीने का आज एग्जाम है। रोशन एजुकेशन क्या है? रोशन एजुकेशन एक सोसाइटी है जिसमें लड़कियों को मतलब सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, मेहंदी जो भी होता है, लड़कियों को क्लास वगैरह सारा 6 महीने का डिप्लोमा से लेकर सब क्लास कराया जाता है। कब से कराया जा रहा है? ये तो आज से हो गया 20 साल तो हो ही गया यहाँ पे। आज जो कार्यक्रम था, इसको लेकर के थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए, क्या आज हुआ, क्यों हुआ? ये क्लास जो है, जैसे 6 महीने का जो क्लास करवाते हैं तो लड़कियों को समझ में आना चाहिए कि अब जहाँ कहाँ तक सीख पाए, तो उन लोग को ब्यूटिशियन के जरिए समझ में आता है कि अब दुल्हन को सजाना है या नहीं। ये बेसिक क्लास है, तो कोशिश करते हैं जहाँ तक हो अच्छी तरह सिखा रहे लड़की अपना। इस बार तो बहुत लॉकडाउन की वजह से एबसेंट भी हुआ, उसके बावजूद भी बच्चियाँ मेरे ख्याल से जहाँ तक हो अच्छी कोशिश की करने का मेकअप। यहाँ जब सीख कर जाती है तो मेरा मेन मकसद होता है लड़की अपने ऊपर डिपेंड हो, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में अगर एक लोग घर पे कमाने हैं, 10 लोग खाने वाले, तो परेशानी होती है। तो ऐसे क्या होता है, अगर लड़कियाँ सीख के जाती है, लेडीज सीख के जाती है, तो मम्मी पापा को भी एक हेल्प हो जाता है और हस्बैंड को भी हेल्प हो जाता है, घर में कुछ खर्चा भी मेंटेन कर पाती है। आपका नाम क्या हुआ और आपके संस्था में किस पोस्ट में है? मेरा नाम है सुल्ताना बेगम और मेरा संस्था का नाम है न्यामतपुर रोशन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। नर्सिंग का भी क्लास होता है? जी हाँ, यहाँ ये 2 बैच चल चुका है, अभी फिर हम शुरू किए नर्सिंग ट्रेनिंग। कब कब होता है? यह वीकली 1 डे क्लास होता है, वीकली 1 डे, हफ्ता में 1 दिन क्लास होता है और 18 महीने का क्लास होता है। इसमें मतलब देखा जाए तो मतलब बहुत कम फी में नर्सिंग का क्लास होता है। 18,000 का पैकेज है और 1.5 साल का कोर्स है आपका गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। ये डॉक्टर नासिर आते हैं क्लास कराने के, डॉक्टर सब आते हैं वहाँ से बाहर से क्लास कराने के लिए। इसमें जो एडमिशन लेने आएंगे उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा? कम से कम मैट्रिक पास होनी चाहिए। और कोई प्रोसेस है? नहीं यार, कुछ नहीं, मैं तो मैट्रिक पढ़ी रहेगी तभी तो पढ़ पाएगी ना, क्योंकि नर्स का जो ट्रेनिंग है मैट्रिक के बाद ही कर पाएगी। प्लेसमेंट वगैरह? प्लेसमेंट 100% प्लेसमेंट है आपका। क्लास करते करते अगर लड़की चाहेगी तो यहाँ पर डैफोडिल हॉस्पिटल है, वहाँ पे मतलब जो डॉक्टर है उनके जरिए वहाँ पे हो जाता है। ये न्यामतपुर संस्था में बस ये संस्था के यहाँ पे करिए, मेरा खुद का अपना कुछ ये नहीं कि हम नर्स का ट्रेनिंग ही सिर्फ करवाते हैं, जी मैंने न्यामतपुर से जुड़ा हुआ नहीं भाई। Thank you.
प्रोग्राम हो रहा है? ये मेहंदी का क्लास जो हम करवाए 2 महीने की न्यू लड़कियाँ बिल्कुल, उन लोगों को 2 महीने का हम प्रैक्टिस करवाए, तो उसका आज हम कॉम्पिटिशन करवाए बच्चियों का मेहंदी जी। मेहंदी का क्या फीस है? क्या सीखी? मतलब नॉर्मल मेहंदी से के ब्राइडल मेहंदी तक सिखाते? अभी तो 2 महीने का ही क्लास हुआ ना, तभी बिल्कुल न्यू है, अभी तो कुछ भी मतलब ये लोग चलानी सीखी है थोड़ा बहुत। एग्जाम देंगे? हाँ, जब 6 महीने का हो जाए तब ये लोग एग्जाम होता है। आज क्या कर रहे हैं? आज सिर्फ बच्चे जो न्यू में 2 महीने का सीख लोग कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं, बच्चे को हौसला अफजाई के लिए हम सोचे कि करवा दे। रागिनी, क्या सीख रहे हैं आप? मेहंदी लगाना। क्या क्या सीखे? मेहंदी लगाना। मेहंदी में क्या सीखे? बेसिक सीख रहे हैं। कितने दिन से सीख रहे हैं? 1 मंथ हुआ। आज क्या पूरा हुआ? मेहंदी कंपटीशन। कंपटीशन में कितने भाग लिए थे? क्या पता, 28। कितने भाग लिए थे? 28। आपने किनको मेहंदी लगाया? थैंक यू सर। मेहंदी आपने लगाई? जी सर। कितने दिन लगा? 1 घंटा। आज 1 घंटा का ही कॉम्पिटिशन था। आज जो कॉम्पिटिशन हुआ उसमें आप कोई स्थान पाए हैं? फर्स्ट। इस मेहंदी लगाने का सीखने का शौक आपको कैसे है? अच्छा लगता है लगाना, हॉबी है। इसको आगे क्या व्यवसाय के रूप में लेना चाहेंगे? अर्निंग करना चाहेंगे? जी। माही खान। कहाँ से आते हैं? न्यू टाउन। आप भी सीख रहे हैं? नहीं। इसको लेकर आइए। क्या नाम हुआ आपका? तस्मिया तहरीन। उनको बोलो चुप रहने के लिए। कितने दिन से सीख रहे हैं? 2 महीना। कंप्लीट हो गया आपका मेहनत? जी हल्का जी, नहीं कुछ बाकी नहीं, सिर्फ ब्राइडल मेहंदी बाकी है। ये मेहंदी सीखने से क्या करना है? जी जो पार्लर में लगाया जाता है वो सब को हमको लगाना है, मेरा शौक है। मेरा मतलब सपना है कि हम ब्यूटीशियन मतलब ब्यूटी पार्लर खोले खुद का। किस संस्था में सीख रहे हैं? जी संस्था का नाम कहाँ क्या है जहाँ आप सीख रहे हैं? किस संस्था में सीख रहे हैं? रोशन एजुकेशन। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के जो प्रशिक्षक वो कैसे हैं, सिखाते हैं बढ़िया? जी बहुत अच्छा सिखाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा बोनानी मुखर्जी। अच्छा, क्या क्या कार्यक्रम किया जाए? आज का कार्यक्रम मेहंदी और ब्राइडल मेकअप है और फेशियल है। इसमें एग्ज़ाम देने के लिए हम आए मीठानी से, और मेहंदी में मेरा स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट किया, ये 3rd हुए, उसी में एक तो रेनो। ये लोग बेसिक कोई सीखे नहीं, सिर्फ पार्लर से जितना सिखाया जाता है उतने में लोग 3rd हुए। एग्जाम भी हुआ, प्रतियोगिता भी हुई, एग्जामिनर के रूप में यहाँ पे आए हैं। हाँ एग्जामिनर सीख रही, उसमें कैसा आपको प्रतिभा लग रहा है? क्या लोग सीख रहे? बहुत सुंदर लड़की लोग का, बहुत सुंदर पढ़ती, इतना बेसिक में इतना बहुत कुछ सीख लिया है, लोग आगे बहुत दूर जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजिया सुल्ताना है। यहाँ पे किस रूप में आप काम कर रहे हैं? हम यहाँ पर अभी स्टूडेंट लेकर के आए हैं, एग्जाम दे रही है पिटीशन का। कार्यक्रम क्या करवाएं आप? ये ब्यूटीशियन का मेकअप करवाएं, बड़ा ये बेसिक मेकअप। बच्चियों में क्या प्रतिभा है? हाँ बहुत अच्छा है। क्या क्या मतलब 6 महीने के अंदर क्या क्या सिखाए फेशियल में? फेशियल सिखाए, मेकअप सिखाए, बेसिक मेकअप सिखाए, हेयर कटिंग सिखाए। रितिका शर्मा। आज यहाँ पे क्या आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? वो मेरी मतलब दीदी है, वो मुझे मॉडल हिसाब से लाई है और मेरे को सीखी है, सीखना चाहती है और मेरे पर ट्राई की है। नेहा शर्मा है, मेरा नाम स्नेहा शर्मा है, मैं सुल्ताना मैडम से सीखी हूँ। वो बहुत अच्छा सिखाती है, HD मेकअप हर चीज़ का नॉलेज देती है। कैसे आज हम लोग का ब्यूटीशियन का था, ब्राइडल मेकअप था बस। तो ये दुल्हन आप से जाएं? हाँ। आप कितने दिन से सीख रहे हैं? मीन्स 6 महीना हो गया मेरा। आज जो दुल्हन सजाए इसके बाद क्या होगा आपका? आगे हम और कोशिश करेंगे कि और अच्छा करें, और सोचेंगे कि हम इसी में इसी चीज़ का हम काम करें।
क्या नाम हुआ आपका? विद्या कौर। आज जो ये दुल्हन सजाए वो आप सजाए हैं? जी हाँ, मैंने सजाया है। तो क्या कार्यक्रम था जिसमें आपको दुल्हन सजाना पड़ा? आज बेस मेकअप का क्लास का एग्जाम था, उसी वजह से ये सजाया। कितने दिन से आप ये क्लास कर रहे थे? 6 मंथ हो गया है। कहाँ पे कर रहे हैं? आंटी के यहीं कर रहे थे, न्यामतपुर रोशन एजुकेशन। क्या क्या सीखा हम लोगों ने यहाँ? मैनीक्योर पेडीक्योर बेस मेकअप ब्राइडल को सजाना वगैरह ये सब सीखा है, और फेशियल सीखा है, हेयर कटिंग। हाँ कंप्लीट हो गया? जी हाँ कंप्लीट हो चुका है। आपका नाम क्या हुआ? सोनी कौर। ये आपको आज दुल्हन के रूप में सजाइए, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा तो फेस बहुत खिल गया। आपका नाम क्या हुआ? काजल गुप्ता। आज क्या कार्यक्रम था? जी आज एग्जाम था हम लोग का ब्राइडल का। ये एग्जाम क्यों? एग्जाम क्योंकि हम लोग कोर्स पूरा किए हैं 6 मंथ का, तो उस पर एग्जाम होता है ताकि हम लोग आंटी पता करती आता है या नहीं आता है, अच्छा से सीखे या नहीं सीखे। जी ये रोशन एकेडमी यहाँ। जी सारा बेसिक जैसे कि पेडिक्योर मेडिक्योर और फिर फेशियल मेकअप ब्राइडल लाइट मेकअप। यहाँ जो प्रशिक्षित टीचर जो होते हैं जी, उनका व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छा, अच्छे से सिखाते हैं। हाँ अपने जैसा। तो सीखने के बाद आगे क्या करना है? जी आगे पार्लर खोले सोचे हैं, एडवांस सीखना है फिर। आपका नाम क्या हुआ? राजश्री गुप्ता। आप भी सीख रहे हो? नहीं सीख नहीं रहे हो। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोना है। आप भी यहाँ क्लास कर रहे हो? जी 6 महीने से। आज दुल्हन आप सजाएं? जी। क्या क्या मटेरियल्स लगा है सजाने में? फाउंडेशन, आईशैडो, लिपस्टिक और जो फाउंडेशन लिपस्टिक फेस पाउडर आईशैडो आईलाइनर। सीखने के बाद आगे क्या करना है? आगे हम लोग को क्लास मेकअप करके पार्लर करना। आप गृहिणी हैं? आपको ये सीखने का सोच कैसे आया कि सोच रहे हैं? मुझे बचपन से ही शौक था इस चीज़ का, इसको व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। मैं सीख के औरों को भी सिखाना चाहती हूँ। आपका नाम क्या हुआ? प्रियंका बनवाल। कैसा महसूस हो रहा आपको दुल्हन बनके? 10 साल पहले की बात याद आ गई है। अच्छा। आपका नाम क्या हुआ? जी गुलनाथ सबक। क्या कार्यक्रम था आज? हाँ जी कार्यक्रम क्या था आज यहाँ? ये ब्यूटिशियन का एग्जाम था, वही मेकअप का। आज एग्जाम के तौर पे आप दुल्हन से जाए? जी। कितने दिन से चल रहा था क्लास? ये हम लोगों का 6 महीने से, अभी लॉकडाउन के। किस संस्था के अंदर आप लोग सीख रहे हैं? जी रोशन एडुकेशन। ठीक से सिखाया सब यहाँ? जी बिल्कुल। 6 महीने में काफ़ी कंप्लीट हो चुका है? हाँ जी कंप्लीट तो हो गया। तो ये दुल्हन आपने सजाया? जी सुल्ताना मैम से हम लोग को बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है, वो बहुत अच्छा सिखाती हैं और उनके वजह से बहुत सारी लड़कियां आगे बढ़ गई हैं जिनका थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम था, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका नाम क्या हुआ? शिवा परवीन। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा दुल्हन बनके? बहुत मत पूछिए। मेरा नाम राहत है। यहाँ पे आज दुल्हन सजाने का प्रतियोगिता में? हाँ मुझे मेकअप बिल्कुल ही नहीं आता था, एकदम जीरो थे मेकअप में। मैं यहाँ आकर के मुझे आज बेसिक बेस्ट बेसिक का मतलब ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो अपने आप में बहुत अच्छी लग रहा है कि यहाँ पे आके जो मेरा जीरो मेकअप था आज आप बेसिक इतना बेस्ट किए। 6 महीने? 6 महीने कंप्लीट हुआ। हाँ मैनीक्योर पेडीक्योर फेशियल सर। आज एग्जामिनेशन आपका? जी। इसके बाद सर्टिफिकेट मिला? जी। आगे क्या सोचे हैं? आगे क्या सोचे हैं, थोड़ा मतलब पार्लर वालर खोलने का सोचे, जब इतना अच्छा बेसिक इतना अच्छा हुआ सब सीख लिए हैं तो कुछ इनकम भी तो होना चाहिए। यहाँ जो क्लासेस कराती जो टीचर होते हैं वो कैसे हैं? वो बहुत अच्छी बहुत बेस्ट है, एक चीज़ को 4 बार 5 बार जिसका मतलब बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता वो 4 बार 5 बार करके बताती है, ताकि उनका दिमाग में अच्छा से मतलब आराम से कर ले। आपका नाम क्या है? बुशरा अब्दी। आप दुल्हन बने हैं? जी हाँ। किसने बनाया? मेरी दीदी ने। कैसा महसूस कर रहा है? अच्छा है। बोल दो मतलब अच्छा लग रहा है? बोल दो अच्छा लग रहा है। तक मारी पासवान। आपका नाम क्या हुआ? निशा कुमारी पासवान। ये मेरी भाभी है।
आप भी यहाँ क्लास करते हैं जी, क्या आपको समझ में आया कि मेरी मतलब फेशियल ब्यूटीशियन ये सब करना है? हाँ, हमको सब समझ में आया कि आप बहुत अच्छा भी लग रहा। विचार क्या आया कि क्यों करना है ये? करना है, खोल भी सकते हैं घर में या आगे भी कुछ काम कर सकते हैं। आप पढ़ाई करते हैं या शादी गृहिणी है? नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं, मैट्रिक पास कर चुके हैं। आगे क्या करना है? आगे अभी और सीखना है थोड़ा बहुत, अभी ब्राइडल के हैं और आगे मतलब डॉक्यूमेंट। 6 महीने में सारे कुछ सीखने मिला आपको यहाँ? जी, बहुत अच्छा। सब अच्छे सीख पाए जी? पूरा सुविधा हुआ सीखने में? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स वगैरह कैसे थे? बहुत बढ़िया। मेरा नाम है राखी कुमारी पासवान और मेरा सीखी है। कितने घंटे लगे आपको सजाने में? 20 मिनट। झूठ? तो आप तो मैरिड है ना? तो उससे पहले जो दुल्हन बने थे, आज जो दुल्हन बने, दोनों में क्या फर्क लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आज वाला ज़्यादा बेस्ट है। हाँ। क्या नाम है आपका? हेना खातून। क्या करते हैं? ब्यूटिशियन सीखते हैं। नहीं, आप ऐसे क्या करते हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। आपको कहाँ से सुनने मिला कि यहाँ पे क्लास चल रहा है? हम लोग को पता था यहाँ के बारे में। पहले भी कर चुके हैं? नहीं, पहले मतलब कि जी। कितने महीने की क्लास थे? 6 मंथ का। 6 महीने में सारे कुछ सीखे हैं जी? क्या क्या सीखे आप? मेकअप, फेशियल, वैक्सिंग, हर चीज़ में। तो जितना आसानी से कर सकते हैं जी। जी, आज का कार्यक्रम क्या था? हम लोग का एग्ज़ाम था यहाँ पे कि दुल्हन को देखने के। एग्ज़ाम के तहत आप लोग दुल्हन से आए? जी। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू खाता। कैसा महसूस कर रहे हैं दुल्हन बन के? बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमारी। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, अभी 12 का एग्ज़ाम खत्म हुआ तो ब्यूटिशन सीखने लगे। तो आपको क्या विचार है कि कुछ सीखने भी चाहिए? हाँ, क्योंकि घर बैठे अच्छा लग नहीं रहा था तो घर से सब बोला कि सीखो, तो बस रेडी हो गए। संस्था में कितने महीने से सीख रहे हैं? 6 मंथ। क्या क्या सीखे हैं? सब हो गया, मतलब मेकअप, फेशियल, हेयर कट, वैक्सीन, जितना मतलब है सब। दुल्हन आपने सजाया? हाँ। कितने घंटे लगा आपको सजाने में? आधा घंटा। आधा घंटा? और आगे क्या करना है? बस इसको आगे करना है। ये जो सीखे हैं, ब्यूटिशन आप कैसे हो गए? अपना पार्लर खोल के। और कुछ सिखाने, ट्रेनिंग सेंटर खोलने का भी रहता है? ऐसा कुछ मन नहीं है कि चलो हम सीख लिए हैं, कुछ गरीब लड़कियों को सिखा दें? हाँ, ऐसा अगर हो सकता है तो क्यों नहीं करेंगे। सीधारामपुर, मोला नगर। आपका नाम क्या हुआ? रानी कुमारी। कितनी देर में सजाएंगे आपको? आधा घंटा। क्या क्या लगा मेकअप में? फाउंडेशन और फिर पैनकेक, लिपस्टिक, आईलाइनर, आईशेडो, बहुत कुछ लगा। दुल्हन बनके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यह लड़की का जीवन एक सपना होता दुल्हन बनके, तो आज एकदम बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रहा है। कैसा महसूस कर रहा है? अच्छा लग रहा है।